अच्छा मैं आपको कह रही थी कि आप इन एरियाज में आया करें, यहाँ पे आप लोग दूर बैठ के ना बहुत उंगलियाँ उठाते हैं कि पता नहीं हमें पब्लिसिटी का शौक है, हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्यों बना रहे हैं, आप लोगों को वीडियो शूट करके क्यों दिखाई जा रही है। पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं है मुझे, आपकी तारीफों का कोई शौक नहीं है, एक भी कमेंट ना दें, लेकिन मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि आप अपने मुल्क के इन एरियाज के इन लोगों के लिए काम करें। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप एक कमेंट ना करें भले, आई डैम केयर, बट इस तरह के जो जगहों पे रहने वाले लोग हैं वहाँ आए, उनके लिए रहाई, अपना पानी का इंतज़ाम करें, उनके लिए आप खुराक के पैकेजेस जो बनाए हैं आप वो भेजें, देखें कि इन इलाकों में किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह के इनके हालात हैं। आपको पता है इनके माल मवेशी शदीद गर्मी की वजह से तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वही इनका सोर्स ऑफ इनकम है, और इसके अलावा इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्या होगा इस रेत के अंदर मुझे बताएं आप, यहाँ पे कौन से खजाने ऐसे दबे हुए हैं जो इन्होंने खोद के निकाल लेने, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आए आप आके देखें, अपने मुल्क के हालात देखें, इन लोगों को देखें, अफ्रीका में भेजने के बजाय इंडिया में बिहार के लोगों को आप भेज रहे हैं, फलां जगह पर भेज रहे हैं, आपके अपने मुल्क के लोगों का आप पे कोई हक नहीं है। डेजर्ट पीपल जो हैं यहाँ पे, इनका आप पे कोई हक नहीं है, चोलिस्तान का, थर का आप पे कोई हक नहीं है। आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं, आप अपना मुल्क तो देखें आगे कि यहाँ पे क्या है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, ये बेहिसी की इंतहा है। थैंक यू सो मच, हम लोग वापस जा रहे हैं और दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र जो है बखैरियत जो है वो तमाम हो। बहुत दूर हैं हम लोग इस वक्त, जज़ाकअल्लाह, थोड़ा कर को बहुत जानिएगा।